हेलो, बोटल आर्ट सबको पसंद होती है। एक बोटल अगर बना ली जाए और अगर हम उसे रूम में कहीं भी रख दें, अलग ही लुक देखने को मिलता है। क्योंकि बोटल आर्ट के अंदर हम कुछ लगाएं या ना लगाएं, लेकिन उसका डेकोरेशन अगर प्रॉपर है तो बहुत सुंदर लगती है। कई जगह मैंने देखा है कि बोटल आर्ट जो है लाइन से लगी रहती है, बड़ी छोटी छोटी छोटी, क्योंकि सबको अपना शौक होता है बोटल सजाने का। तो आज मैंने भी बोटल आर्ट सजाई है, तो इसीलिए मैं बोटल रख के बैठी हूँ। ये मैटर नहीं है कि बोटल का साइज क्या है, बोटल कितनी बड़ी है, और परफेक्ट वही लेना है जो मैं ले रही हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके पास में जो बोतल है आप वो तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा आइडिया है जो मैं आपको दे रही हूँ बोतल सजाने का। फ्रेंड्स, मैंने अभी दो वीडियो डाली हैं रिसेंटली, जो इससे पहले जो वीडियो आई है वो दो, तो उसमें पार्ट वन और पार्ट टू लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको जीरो लेवल से लिप्पन आर्ट बनाना सिखाया है। एक में मैंने डिजाइन बनाना सिखाया है और एक के अंदर कलरिंग कैसे करनी है और क्ले कैसे लगाना है। लेकिन दोनों ही वीडियो इतनी अच्छी है कि अगर आप लिप्पन आर्ट सीखना चाहते हैं तो दोनों वीडियो अगर आपने देख ली तो आप परफेक्ट लिप्पन आर्ट बना लेंगे। तो मैंने अभी एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था जिसके अंदर पूछा है कि क्या आपने लिप्पन आर्ट की बिगनर्स की पार्ट वन और पार्ट टू दोनों वीडियो देख ली हैं? लेकिन 25% लोगों ने बोला है नो। ये वीडियो आप जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छे हैं, आप परफेक्ट लिप्पन आर्ट बनाना सीख जाएंगे। और अगर आपने ये वीडियो देख लिए तो गारंटी है कि आप कहीं भी पैसे दे के सीखने नहीं जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस बोतल पे आर्ट बना रही हूँ। ये बोतल काफी टाइम से मेरे पास में थी और बहुत दिनों से बोतल आर्ट नहीं बनाई है, तो सोचा चलो क्यों ना आज बोतल आर्ट बनाई जाए। तो सबसे पहले मैंने इस बोतल के ऊपर लगाया है टिश्यू पेपर। ये टिश्यू नैपकिन जो आते हैं हमारे यहाँ, वो भी हम लगा सकते हैं, या फिर ये टॉयलेट पेपर है वो भी लगा सकते हैं। फेविकॉल में हल्का सा पानी मिला करके नहीं, स्पॉन्ज से इस तरह पेपर को लगाते जाएंगे। अच्छे से चिपकाना है क्योंकि पेपर एक बार चिपक गया और कहीं भी अगर फेविकॉल रह गया तो वो वहां से उठा हुआ रहेगा। ऊपर से भी एक बार और फेविकॉल का जो स्पॉन्ज है वो फेर दीजिए, जिससे कि वो वहीं की वहीं स्टिक हो जाएगा। तो ये लेयर आप एक दो तीन, दो तो कम से कम लगाइए और तीन लगाते हैं तो बहुत अच्छा, इससे क्या है थिकनेस अच्छी हो जाएगी और जो हमारे लुकिंग है बोतल की वो भी बहुत अच्छी लगेगी। कलर के बाद में जो उसका टेक्सचर आएगा वो बहुत सुंदर लगेगा। तो पीसेस, छोटे बड़े पीस, बड़ा पीस, जैसे चाहे वैसे आप इसको लगा सकती है। और लगाने के बाद में कम से कम एक घंटे के लिए हमें इसे ड्राई होने रख देना है। उसके बाद में हम करेंगे क्ले वर्क। यहाँ मैंने मोल्डेड क्ले के दोनों पार्ट बराबर मात्रा में लेने हैं और उनको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स जब तक करना है जब तक उनका एक कलर ना हो जाए, और उसके बाद में हम अपनी लंबी लंबी डोरी बेल लेंगे और छोटे छोटे पीस काट लेंगे। छोटी छोटी बॉल बनानी है, बहुत छोटी छोटी। यहाँ मैंने पेंसिल से एक डिजाइन बना लिया है और ये डिजाइन बहुत सिंपल है। मैंने तो ये डिजाइन बनाया है, आप चाहे कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। ये तो सिर्फ एक आइडिया है एक बोतल आर्ट को बनाने का। इस बोतल आर्ट को देखने के बाद में आप बहुत तरह की बोतल आर्ट बना सकते हैं। तो फेविकॉल लगाने का देखिए, मैंने यहाँ पॉइंट्स में ही फेविकॉल लगाया है, जिससे इनके ऊपर ही मैं अपनी बॉल बना बना के रख सकूं। बहुत छोटी छोटी बॉल बनाई है और इन बॉल को मैं आराम से लगाती जाऊंगी। वही एक जैसा इक्वल साइज काटने के लिए मैंने पहले एक डोरी बेल ली है और उसके छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं। और फेविकॉल की छोटी छोटी डॉट्स रखने के बाद में उन्हीं के ऊपर हम अपनी बॉल रखते जा रहे हैं। थोड़ा बहुत छोटी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि एकदम हम जब हैंड से चीज बनाते हैं तो एकदम इक्वल तो नहीं आ पाती है, तो कोई बात नहीं है। और बॉल रखने के बाद में किसी भी टूथ पिक या आप डॉटिंग टूल से इस तरह उसके अंदर होल कर देंगे। थोड़े थोड़े होल करने हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत नीचे तक ले जाना है, बस थोड़ा थोड़ा दबाना है तो उससे एक हमारा डिजाइन आ जाएगा। तो जो भी मैंने डिजाइन बनाया है उसके ऊपर मैं छोटी छोटी बॉल लगाती जा रही हूँ और एक लाइन पूरी बॉल की हमें कंप्लीट करनी है और उसके बाद में दूसरी लाइन। और दूसरी लाइन लगाने के लिए यहाँ मैंने प्लेन डोरी लगाई है, जो कि हमने बॉल लगाई थी ना उनके बिल्कुल बगल से लगानी है। डोरी थोड़ी पतली ही बनाएंगे क्योंकि बहुत मोटी डोरी नहीं अच्छी लगेगी यार। और अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग आप इस तरह की डोरी को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो बॉल लगाई थी उसके दोनों साइड डोरी लगाई है और बीच में हमारी बॉल की लाइन आ गई है, तो बहुत डिफरेंट और बहुत सुंदर लग रही है। बस इसी तरीके से जो भी बॉल लगाई है उनके बगल से हम डोरी लगा लेंगे। उसके आगे भी मैंने एक लाइन और बनाई है जिसके अंदर लीफ बनाई है, तो वहां भी मैंने यार बॉल लगा करके नहीं तैयार किया है। तो जहां जहां मुझे बॉल लगानी थी वहां मैंने ये बॉल लगा ली है और उसके बाद में सिंपल डोरी
डोरी भी लगाई है। डोरी लगाने के बाद जब हमारी ये कंप्लीट हो गया तब फ्रेंड साइड से मैंने ऊपर से एक डिजाइन लेकर छोटा सा लोटस बनाया है। ये लोटस जो मेन डिजाइन है उनकी दोनों साइड बनाए हैं, तो एक साइड ये मैंने आपके साथ बनाया है और एक मैंने बना के रखा है। ये लोटस बहुत बड़ा तो नहीं बनाया क्योंकि हमारी जो बोतल का साइज है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसका साइज रखना है। सिंपल पत्ती पतली डोरी लगाई है, कोई डिजाइन नहीं दिया, कुछ नहीं किया है इसके ऊपर। और डोरी लगाने के बाद में इसके भी बगल से मैंने छोटी छोटी बॉल दे दी है, तो एक डिफरेंट मिलता जुलता डिजाइन हो गया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब करेंगे कलर। तो यहाँ मैंने पर्ल कलर किया है क्योंकि एक बार में ही मुझे थोड़ा सा शाइनिंग वाला कलर देना था। पहले मैं अगर सिंपल कलर दूं फिर शाइनिंग वाला दूं तो इससे अच्छा है कि पर्ल मेटलिक कलर जो आते हैं कॉपर वाला, कॉपर ब्लैक मैंने थोड़ा सा मिक्स करके वही दिया है। आप कलर प्लेन भी कर सकते हैं, कोई दो कलर की भी बना सकते हैं, बट मुझे ये कलर मैंने बहुत टाइम बाद या पहली बार यूज किए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कलर। सारे पर कलर करने के बाद में कुछ कलर मुझे मेरे स्पॉन्ज से नहीं आ रहे हैं तो वहां मैंने ब्रश से किया है। कलर बहुत अच्छी तरह से करना है, कहीं भी छूटे नहीं, कहीं भी छूटेगा तो आपकी जो है पेपर वो नीचे से दिखेगा वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ब्रश से मैंने लास्ट में फिनिशिंग दी है, जहां भी कलर रह गया था सारा कर लिया। और अब जो भी हमारा डिजाइन है उसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर से टच दिया है। गोल्डन एक्रिलिक कलर जो छोटी छोटी बोतलों में आता है ये वही कलर है। फ्रेंड्स यहाँ मैं एक बार और बता दूं कि यहाँ पर्ल मेटलिक कलर आते हैं एक्रिलिक, वो यूज किए हैं, साथ में गोल्डन भी एक्रिलिक कलर यूज किया है। क्योंकि कई बार सब लोग बोलते हैं आप डिटेल्स नहीं बताते हैं, मैं बनाते वक्त ही कई चीजें बोल देती हूँ, कुछ चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी कि मैंने कौन सा कलर यूज किया है। और सारा कलर करने के बाद में स्प्रे से क्लियर वार्निश की है, तो जो हमने लीफ बनाई है उसके अंदर मैंने छोटे छोटे आई शेप के मिरर लगा दिए हैं। अच्छा डेकोरेशन पार्ट अपने ऊपर डिपेंड करता है, और ये मेरे को मिरर तो खैर मुझे बहुत पसंद है तो मैं ज्यादा करके अपनी हर आर्ट में मिरर लगाती हूँ। यहाँ भी मैंने दो तीन लीफ बनाई है, उनके अंदर मिरर लगाए हैं। अगर लोटस में देखती हूँ लगाकर अच्छे लगेंगे तो लगा लेंगे, अगर नहीं अच्छे लगेंगे तो मैं एजिटेज छोड़ दूंगी। और ये देखिए पूरी बोतल तैयार हो गई। बोतल को आप सिंपल भी रख लेते हैं ना कहीं भी तो बहुत अच्छी लगती है, जरूरी नहीं है इसके अंदर कुछ लगाया ही जाए। ऐसे ही बोतल तीन चार बोतल तैयार करके रख दी जाए तो बहुत सुंदर लगती है। और ये देखिए पूरी बोतल तैयार होने के बाद में बहुत अच्छी लग रही है। इस तरह की छोटी बड़ी कई तरह की बोतल तैयार कर सकते हैं और आप अपने यहाँ डेकोरेशन के रूप में इसे रख सकते। तो देखा कितने इजी तरीके से मैंने ये बोतल तैयार कर ली है, बहुत इजी तरीका है। इस तरीके से आप भी अपने लिए कोई भी बोतल पर डिजाइन बना सकते हैं। यहाँ कलर भी आप केवल जो हमारे पर्ल कलर आते हैं वो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। मैंने हल्का सा पर्ल कलर के अंदर ब्लैक कलर मिलाया था, सादा एक्रिलिक वाला, जो शायद मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा पाई। लेकिन आप इस तरीके से कोई भी पर्ल कलर ले रहे हैं, जैसे ग्रीन है, येलो है, येलो में हम ऑरेंज मिला सकते हैं, थोड़ा लुक अलग देना है, आप उसको तैयार कर सकते हैं। जैसे कि ग्रीन के अंदर आप एक पर्टिकुलर ग्रीन जो होता है डार्क वाला वो मिला सकते हैं। तो जो भी आप पर्ल कलर लेंगे उसके अंदर अपना कलर मिला के भी आप लाइट डार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये बोतल तैयार की है, थोड़े से मिरर भी लगा दिए, मिरर तो बहुत सुंदर लगते हैं। अच्छा इस बोतल की एक खासियत है, जो मैंने डिजाइन बनाया है इसको आप दो तरह से रख सकते हैं। जैसे मैंने अभी इस तरह से रखा हुआ है तो यहाँ से मिरर का लुक आ रहा है एकदम डिफरेंट। अगर आप मिरर का लुक देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से रख सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल सिंपल लुक चाहिए और तो आप मिरर को पीछे कर दीजिए और इस तरीके से आप अपना सिंपल लुक देख सकते हैं। मेरा ये छोटा सा बोतल आर्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं क्योंकि जितनी ज्यादा वीडियो देखी जा रही है उतने सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत कुछ नया नया देखने को मिलेगा। मिलते हैं एक नई आर्ट के साथ, बाय।